हाय एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। वैसे तो ये अचार मैं कितनी बार बना चुकी हूँ, लेकिन आज ना मुझे पहली बार ऑर्डर मिला था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। अचार के लिए सबसे पहले हमें एक मसाला रेडी करना है। इसके लिए लो हीट पे मैंने एक पैन रख दिया, उसमें मैं डालूंगी अभी एक 5 चम्मच के करीब सौंफ, 3 चम्मच जीरा, 2 चम्मच धनिया, 3 चम्मच राई दाना, 1 चम्मच मेथी दाना, 8-10 काली मिर्च। इन सबको हम लो हीट पे रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्ट ही करना है। जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, थोड़ी राई चटकने लगेगी, तब पता चल जाएगी कि हमारा मसाला रेडी हो गया है। तो आप सुन सकते हैं, राई भी हमारी चटकने लगी है, खुशबू भी अच्छे से आने लगी है, मतलब हमारा मसाला रोस्ट हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, हम गैस बंद कर देंगे और जब तक ये मसाला ठंडा होएगा तब तक हम अपने मिर्च में से बीज बीज निकाल के मिर्च को रेडी करेंगे। उसके बाद ठंडा होने के बाद हम इसे पीसेंगे। मैंने यहाँ पे ये लाल मिर्च ले ली है, उसको मैंने सुबह ही धो के बाहर बालकनी में धूप में रख दी थी। तो यहाँ पे मैं ये डंठल निकाल रही हूँ और बीच में से कट लगा के अंदर के जो बीज होते हैं वो भी मैं निकाल लूँगी। इस तरह से सारी मिर्चें मैं कर लूंगी। तो मैंने सारी मिर्चों को बीज निकाल के सारी मिर्चें ऐसे रेडी कर ली है। तो अब हमारा तब तक मसाला भी ठंडा हो गया है, तो हम इसे पीस के इसमें स्टफ करते हैं। चलिए, तो मसाला हमारा अब ठंडा हो चुका है। अब मैं उसे मिक्सी बाउल में ट्रांसफर करके हमें इसे कोर्सली ग्राइंड करना है। ये देखिए, मसाला हमें ऐसा रखना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच हींग, 2 चम्मच नमक। नमक और हींग आप उसमें थोड़ा ज्यादा ही डालना। आधी चम्मच हल्दी और ये है कश्मीरी लाल मिर्च, इसमें जाएगा। सिर्फ मसाला गीला हो उतना ही ऑयल डालूंगी मैं। इसको मिक्स कर लूंगी मैं। मैंने अराउंड 500 ग्राम मिर्च ली है, तो मैंने उसी के हिसाब से मसाला बनाया है। और इसमें मैं आमचूर पाउडर भूल गई थी, तो वो भी हम ऐड कर लेंगे। फाइनली हमारा मसाला रेडी हो गया है। तो अब हम जो मिर्च हमने तैयार करके रखी हुई थी इसमें स्टफ कर लेंगे, और स्टफ उसे अच्छे से दबा दबा के करना है। लाइक दिस। तो हमारी सारी मिर्च स्टफ होके रेडी हो गई। अब हम इसे एक जार में भर लेंगे। अब हम इसमें मिर्ची को भर लेंगे। जो मसाला बचा था वो भी ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। अब मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी। मैंने यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल लिया है। आपको अगर सरसों का ऑयल लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो मैं यही डालूंगी। थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट इसे हम प्रेस कर देंगे। अभी कल तक तो तेल और ऊपर तक आ जाएगा, इसलिए मैंने अभी थोड़ा कम डाला है। हमारा अचार हो गया है रेडी। अब आप इसे ना चाहे तो 3 दिन की धूप दिखा सकते हैं, धूप में आप छोड़ सकते हैं, वरना ऐसे ही 3 दिन तक आप रहने दीजिए, उसके बाद आप यूज़ करना स्टार्ट कीजिएगा। ऑफिस में लगाएंगे हम थैंक यू का स्टिकर। तो लीजिए, मेरा फर्स्ट ऑर्डर तो कंप्लीट हो गया। तो ये है जिन्होंने मुझे अचार का ऑर्डर दिया था, मेरी हैप्पी कस्टमर। वैसे तो ये मेरी फ्रेंड ही है, लेकिन आज पहला ऑर्डर उन्हीं ने दिया है, तो आप उन्हीं की जुबानी से सुन लीजिए कि मैंने जब आपको पहली बार टेस्ट कराया था आपको अचार कैसा लगा, फिर आपने ऑर्डर दिया। मैंने जब उन्होंने मेरे को टेस्ट करने के लिए दिया, तब मुझे उनका बहुत ही अच्छा टेस्ट था उसका, तो मैंने फिर उनको ऑर्डर दिया कि मेरे को वो चाहिए। और उन्होंने जो बनाया है मुझे दे के, उनसे मैं बहुत ही खुश हूँ। थैंक यू। और आप देख के बताना आपको रेसिपी कैसी लगी। पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।